हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पर काफी डिस्कशन किया। आज हम चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त आप हमेशा दिमाग में रखें कि यूनिट्स आप एसआई सिस्टम में लें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यूनिट की होती है। तो यूनिट को आप ऑलवेज एसआई सिस्टम में लें और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशन करें। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी then find the amount of charge on body A and B. Also gives their nature, body A to B इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन 3.2 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इससे किस पर ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी। उसका क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज, गिवन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन इक्वल टू गिवन है आपको 3.2 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स। गेन क्या करना है आपको? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्यू पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नाउ आपके पास रिलेशन क्या है क्यू इक्वल टू एनी, वेयर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई की वैल्यू ऑलवेज 1.6 × 10⁻¹⁹ गुना। तो आपने एन की प्लेस पर 3.2 × 10⁻⁷ पुट कर दिया, E की प्लेस पर 1.6 × 10⁻¹⁹, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, रिजल्ट N की नो यूनिट, E की यूनिट थी कूलॉम। याद रहे आप यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्यों? यहां तो आप केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड गेन कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन इज द सिंबल ऑफ पॉवर्टी, इलेक्ट्रॉन गरीबी का सिंबल है।
तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज और बॉडी बी गेन कर रहा है, गरीबी को गेन कर रहा है, तो बॉडी बी पर निगेटिव चार्ज आया। 3.2 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5.12 आएगा, देखना चाहे देख सकते हैं। 16 × 32, 3 कैरी किया 48 और 3 आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट 1 डिजिट तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट। नाउ दीज टू को सॉल्व करेंगे तो सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाती, तो 10⁻²⁶ इतने कूलॉम चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन बॉडी ए प्लस 5.12 × 10⁻²⁶ कूलॉम एंड चार्ज ऑन बॉडी बी −5.12 × 10⁻²⁶ कूलॉम, राइट। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। वन और इजी क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute ⁰.01 coulomb of charge तो आपके पास क्या रिलेशन था? Q is equal to any, here Q given है, तो Q की प्लेस पर 0.01 coulomb N की प्लेस पर N, what is E? E is charge of electron, right? तो N is equal to 0.01 अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम से कूलॉम ऑलरेडी कैंसिल हो गया, इसको मैंने कर दिया 10 × 10⁻³। या आप ऐसा भी कह सकते थे कि 1 × 10⁻²। अपान में 1.6 × 10⁻¹⁹ डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो गया, 10⁻⁶, 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+⁹, 10 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625, 10⁻², 10⁻+⁹, तो 10⁻+17, डेसिमल को 1 पे राइट शिफ्ट कर देंगे, 6.25 × 10⁻+16 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये आपका आ गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 0.01 कूलम ऑफ चार्ज 6.25 इंटू 10^+16 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 0.01 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। ऐसे इजी क्वेश्चंस चार्ज पर बेस्ड आते हैं। अभी हम और भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराते हैं। हमेशा आप न्यू क्लास को अटेंड करने के पहले प्रीवियस क्लास को जरूर देख लें। प्रीवियस क्लास को देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज ऑफ अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोस थ्रू अ वायर इन 1 मिनट कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है जो वायर इन 1 मिनट। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू वायर गिवन क्या है आपको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप क्वेश्चन को 1 or 2 times केयरफुली रीड करते हैं तो आपको गिवन डाटा आ जाता है। गिवन डाटा आने से और फॉर्मूले लर्न होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चार्ज ऑफ 150 कूलम मींस 150 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। टाइम गिवन है 1 मिनट। मैंने आपसे कहा था कि यूनिट्स को आप एसआई सिस्टम में लें तो 1 मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज टाइम है 60 सेकंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू वायर, आई गेन करना है। आई मीन्स करंट गेन करना है और करंट की डेफिनेशन क्या थी, चार्ज फ्लोस थ्रू अ वायर, चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। दैट इज आई इज इक्वल टू Q/T, Q की प्लेस पर 150 कूलम, P की प्लेस पर 60 सेकंड। डिवाइड कर दिया आपने 3 से आपने डिवाइड कर दिया 5/2 एम्पियर, दैट इज 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर का करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त हमेशा यूनिट पर केयर करेंगे आप, साथ ही साथ कैलकुलेशन करते वक्त कैसे मुझे एक्सपोनेंट को चेंज करना है, कैसे मुझे सॉल्व करना है, डेसिमल का कैसे यूज करना है,
इसको भी दिमाग में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज that could flow in 2 hours through an element of electric bulb drawing a current of 0.052 ampere. कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू को कैलकुलेट करना है, तो क्यू पर क्वेश्चन मार्क दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स टाइम 2 आवर्स आवर को मिनट में चेंज किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट को सेकेंड में चेंज किया अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 6 36 72 और 2 0, तो टाइम आपका 7200 सेकेंड। थ्रू एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग अ करंट ऑफ, तो करंट की वैल्यू दे दिया है 0.025 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, आई इक्वल टू आपके पास क्या था क्यू बाई टी, बट आपको क्यू गेन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो Q इज इक्वल टू आई टी, आई की प्लेस पर 0.025 इंटू टी की प्लेस पर इतने सेकंड। अब इसको एम्पियर में लिया है, चाहे आप ऐसे रखें एम्पियर इंटू सेकंड। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट थे, आप डेसिमल को 2 प्लेस राइट ले गए तो इसके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2.5 × 72 रह गया इतने कूलम्स, 25 × 50, 25 × 7 = 175 और 5 × 180 आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट दैट इज 180 कूलम चार्ज फ्लोस टू द वायर, राइट। 180 कूलम चार्ज फ्लोस टू द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मेरे हिसाब से काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो, फिर भी मैं कोशिश करता हूं और वन मोर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं, देन आप घर में बैठकर इन क्वेश्चंस को अगेन रिवाइज कर सकते हैं। अपने मन से जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें पर्टिकुलर ट्यूब इन अ पर्टिकुलर ट्यूब
beam of electron is emitted the beam current is 80 माइक्रो एम्पियर. क्या कह रहा हूं, द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टीवी स्क्रीन. How many electron strikes PV screen every second? Right? आगे मैं क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ा रहा हूं. Also find, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको मैं टेस्ट किया जा रहा हूं. Also find number of electrons striking the screen in 2 minutes. क्वेश्चन क्या है, इन ए पर्टिकुलर ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटर द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर. एम्पियर लगा हुआ है इस पर, इट मीन्स ये करंट है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कभी आपको ये प्रॉब्लम हो जाए कि गिवन क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन, तो आप यूनिट पर अटेंशन पे करेंगे. ये माइक्रो घरे था बट एम्पियर में लगा हुआ था, इट मीन्स करंट है. माइक्रो जहां आता है वहां 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देते. माइक्रो का मीनिंग ही 10^-6 है. अगर माइक्रोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, 10^-6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे माइक्रो एम्पियर था तो माइक्रो को रिमूव करने के लिए ये आपके पास करंट की वैल्यू हो गई. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टीवी स्क्रीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है. स्ट्राइक्स एवरी सेकेंड, मैंने टाइम क्या दिया है 1 सेकेंड. टाइम क्या गिवन है 1 सेकेंड. आपके पास फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. आई गिवन है, टी गिवन है, आपको क्यू नहीं गेन करना, गेन क्या करना है एम. देन मैंने क्यू की प्लेस पर एनी प्लेस कर दिया, राइट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि आपको तो एन गेन करना है. एनी इज इक्वल टू आई टी. ऐसा कह सकते कि एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई. नाउ एन इक्वल टू आई की प्लेस पर
80 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर टी की प्लेस पर 1 सेकेंड, ई की प्लेस पर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड का मीनिंग कूलम था, एम्पियर इंटू सेकेंड कूलम से कैंसिल हो गया, डेसिमल रिमूव करूंगा तो 10 का ही कर जाएगा, 16 पाँच जा 18, 10 टू पावर माइनस 6 यहां था, 10 टू पावर माइनस 19 को ऊपर ले गए, क्लियर राइट है। फिफ्टी इंटू 10 टू पावर प्लस का 13 हो जाएगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है कि आफ्टर डेसिमल वन डिजिट हो, तो एट प्रेजेंट डेसिमल यहां है, आपने वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो 5.0 इंटू 10 टू पावर 14। जब आप डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो जितनी प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करते हो उतनी पॉजिटिव पावर इंक्रीज कर जाती है, और जब राइट शिफ्ट करते हैं तो जितनी प्लेस राइट शिफ्ट करते हैं उतनी पॉजिटिव पावर डिक्रीज हो जाती है। ये आपका आंसर आ गया 5 इंटू 10 टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने कुछ और भी कहा था, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी प्लेस पर मैं ऐसा कर देता हूं, आल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट, मीन्स कितना चार्ज, सेकेंड पार्ट की बात करूं तो चार्ज गेन कर रहा है स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स, पीच कर टू 2 मिनट्स, टू मिनट का मीनिंग अब आपके पास फार्मूला क्या था, आई इज कर टू क्यू बाई टी, गेन क्या करना है आपको, आई की वैल्यू नोन है आप, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर, तो आप आई की प्लेस पर 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टाइम की प्लेस पर 120 सेकेंड एट का 12 से मल्टीप्लीकेशन करते 96 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 राइट आंसर हो गया 9.6। डेसिमल को 3 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 टू पावर माइनस 3 इतने कूलम, क्लियर। ये मैंने आपको सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराई है बेस्ड ऑन फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एनी एंड आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।